Hi, welcome to our channel JK Gossips. I am Sonali Rampal. In today's video, we'll talk about the first cyclonic storm of 2021 in India, that is Tauktae Cyclone, which is also called Tauktae Cyclone. हम जानते ही हैं कि आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है कि अगले 12 आवर्स के अंदर अंदर ये साइक्लोनिक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉकते साइक्लोन क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, ये किन एरियाज को इफेक्ट कर सकता है और कौन सा रूट लेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता क्या है। साइक्लोन टॉकते अरेबियन सी से एमर्ज हुआ, जिसकी विंड स्पीड अराउंड 65 टू 100 किलोमीटर की है, जो कि 16 टू 19 मई तक 150 टू 160 किलोमीटर पर और तक बढ़ सकती है और इसके 175 किलोमीटर पर और तक जाने के भी चांसेस हैं। इस साइक्लोन का नाम म्यांमार द्वारा सजेस्ट किया गया है। ये एक बर्मीज वर्ड है जिसका मतलब है गेको। ये एक हाईली वोकल लिजर्ड का नाम है। अगर साइक्लोन्स के नेमिंग की बात करें तो 13 कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन, इन सब का एक पैनल जिसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक पैनल ऑन ट्रॉपिक साइक्लोन्स कहते हैं या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है। एक स्टॉर्म की स्पीड जब 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए तो ही उसे साइक्लोन माना जाता है और तभी उसे एक नाम दिया जाता है। साइक्लोन तौक्ते की बात करें तो ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की स्टेट्स को इफेक्ट करेगा। इन स्टेट्स में 50 से ज्यादा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस की टीम तैनात की जा चुकी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि संडे तक बहुत तेज बारिश होने के चांसेस हैं, जिससे केरला, कर्नाटका एंड गोवा में फ्लड्स आ सकते हैं। केरला एंड कर्नाटका के कई एरियाज में बारिश भी जारी है। It is also expected to cross Gujarat coast between Porbandar and Nalia on Tuesday afternoon. लक्षद्वीप के लो-लाइंग एरियाज में भी फ्लड आने के चांसेस हैं। इस साइक्लोन से तमिलनाडु एंड राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी बारिश हो सकती है। काफी एरियाज में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और फिशरमैन को अरेबियन सी की ओर जाने से भी रोक दिया गया है। अब इस साइक्लोन के रूट की बात करें तो ये साइक्लोन केरल के कोस्टल एरिया से होते हुए कर्नाटका के बीच एरिया से टकराएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ने से गोवा, महाराष्ट्र में बारिश होगी और इसके बाद गुजरात से टकराएगा। गुजरात का काफी एरिया इस साइक्लोन की चपेट में आ सकता है। मध्य प्रदेश, साउदर्न राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ एरियाज में बारिश होने के आसार भी हैं। तो अभी हमने जाना इस साइक्लोन का रूट और इसके एरियाज जहां ये इफेक्ट करेगा वो कौन से होंगे। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो सकता है। तो हम जानते हैं ये होता क्या। Whenever a cyclonic storm has 3-minute mean maximum sustained wind speed between 165 to 2 km per hour, it is known as severe cyclonic storm. For example, Cyclone Fani and Maha. That's all for today's video. We hope that people living in these areas are safe and will also be safe in the coming days. We will try to give any further information related to it in our next videos. Till then, goodbye and stay safe.